हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण, इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019 का मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके लेके आ रखा हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो ये क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 बी, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर बताए हुए, तो आज की वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है, जो मैंने लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व किए हुए, तो कैसे आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, तो वो भी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक जिसे प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा 21, इसका जो यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इथेन। ठीक है, इथेन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 कि जीवाश्म ईंधन का जलना। तो जो जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उनका जो जलना, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है 22, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 कि वार्षिक ओजोन छिद्र महाद्वीप पर स्थित है। तो जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एनुअल ओजोन होल इज लोकेटेड ऑन कंटिनेंट, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है 23, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 24 कि रासायनिक समूह हेलोन्स में उत्सर्जित होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 24, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिट्रियल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है मॉनिट्रियल, ये इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 25 कि वर्तमान और पिछले परिदृश्य के गठन के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि स्टडी ऑफ करेंट एंड पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन इज नोन एज, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, भू आकृति विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 25 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अभी जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हुए, तो अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में जो है बीच में अभी आगे मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो हैं, जो लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए हुए 2017 से लेकर 23 तक के, तो कैसे आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों को जो स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो कर लीजिएगा आगे वीडियो में। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 कि लंबे समय तक भूमि की एक व्यापक पथ को ढकने वाली बर्फ की परत क्या है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा 26, इसका जो है बर्फ की चादर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 27 कि समुद्र के प्रति किलोग्राम पानी के अनुसार नमक की औसत लवणता या अनुपात है। समुद्र के प्रति किलोग्राम पानी के अनुसार नमक की औसत लवणता या अनुपात है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 27, इसका जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है 35 ग्राम, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पेपर में से आपके जो है 10 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 100 तक के आंसर देखने हैं। और आगे वीडियो में जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 बी का, तो आप एक साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 100 तक के आंसर कैसे देख सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 28 कि पृथ्वी की सबसे बड़ी बर्फ की मात्रा में मौजूद है। तो क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सबसे बड़ी बर्फ की मात्रा में मौजूद है,
तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा 28, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 कि सभी पारिस्थितिक तंत्रों के योग को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 29, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीवमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर बताता हूँ और आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बता सकते हैं, ताकि जो अदर स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आए। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो आपको क्या करना है, आपको जो पहले कमेंट बॉक्स है उसमें जाके चेक कर लेना है। मे बी आप ही की तरह जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने जो राइट आंसर है वो कमेंट करके बताया होगा। अगर नहीं बताया हुआ है, आपको राइट आंसर पता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि पृथ्वी पर ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के हिस्से को एक साथ इसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा 30 कि पृथ्वी की ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के हिस्से को एक साथ इसके नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 30, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, लिथोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है यहाँ पे। और दोस्तों अभी जो है आप कुछ इस प्रकार से हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इन्वायरमेंटल साइंस के जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो कैसे आप लोग उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम शो हो रहा होगा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। तो आपको ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जो सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं क्वेश्चंस पेपर की, इन्वायरमेंटल साइंस या अदर सब्जेक्ट की, तो वो लिस्ट जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस के 2019 का क्वेश्चन पेपर ये रहा, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये रहा, इसकी जो वीडियोज़ हैं आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये जो 2019 का है दिसंबर का, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे भी आपको जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी आपको इन्वायरमेंटल साइंस का मिल जाएगा ये वाला, आप इन पे क्लिक करके जो है जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट 7 ईयर के वो देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट शो हो रही है, इस पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर इन्वायरमेंटल साइंस के, ठीक है। और अभी आपको जो है क्या करना है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार लाइक कर लीजिएगा सभी। और लाइक करने के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोगों ने, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन से हो रहा होगा या सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑल का, तो ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाना है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। या तो यहाँ पे नहीं होगा अगर, तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप है लिंक दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके आप हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं अब उनको सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 कि पृथ्वी का सबसे अधिक बर्फ से ढका क्षेत्र स्थित है। तो जो पृथ्वी का जो सबसे अधिक बर्फ से ढका जो क्षेत्र है वो है यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 31 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 32 कि पेडोस्फियर का योग है। तो जो पेडोस्फियर का जो योग है वो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी और पानी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 32 कि पेडोस्फीयर का योग है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी और पानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर 33 कि परत जो जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल के इंटरफेस में मौजूद है के रूप में जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 33, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पेडोस्फीयर। तो यहाँ पे ए जो है वो राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 34 कि भूमि क्षेत्र के बर्फ द्रव्यमान को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 34, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ की चादर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 35 कि निर्जीव पदार्थ से निर्मित जीवन को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 35, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बायोपेसिस। तो यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्तों अभी मैंने आपको इस वीडियो के बीच में मैंने बताया कि आप लोग कैसे जो लास्ट 7 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो कर लेना है। अगर आप जो है उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ईजीली आप जो हैं अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, और 80-90 मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल साइंस में इजीली लेके आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं उनकी वीडियोस आप देख पाएँ, क्वेश्चंस पेपर की जो सॉल्व किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 36 कि क्रोसफियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 36, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे वैश्विक जलवायु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 37 कि उच्च अक्षांश क्षेत्र जो बर्फ में ढका होता है को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवी बर्फ की टोपियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार लाइक कर लीजिए, और आपने अगर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग एक बार, नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 38 कि क्रोसफियर विशेषताओं को पीछे हटाने के रूप में जाना जाता है। तो जो क्रोसोफियर जो विशेषताओं को पीछे हटाने के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विहिमनंदन। ठीक है, यहाँ पे विहिमनंदन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 39 कि भूवैज्ञानिक द्वारा शब्द बायोस्फीयर की शुरुआत की गई थी। तो जो भूवैज्ञानिक द्वारा जो शब्द है हमारा बायोस्फीयर, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी यहाँ पे एडवाइस सुसे ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सॉरी एडवर्ड सुसे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है थोड़ा इशू हुआ है क्योंकि प्रिंट में थोड़ा यहाँ पे सही तरीके से दिख नहीं रहा है, तो कोई इशू होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 कि गंगा एक्शन प्लान के बारे में करोड़ों की परियोजना आई। तो जो गंगा एक्शन प्लान है, जो करोड़ों की जो परियोजना आई थी वो आई थी आपके 1985 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक के आंसर बताए, और अगर आप जो है एक साथ जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट होगी अभी, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। 2019-20 का ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे एक साथ।
और या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, उस पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और आगे जो हैं, जो आगे की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के आंसर बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो है, जो ये प्लेलिस्ट है लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चंस पेपर की जो मैंने सॉल्व किए हुए इन्वायरमेंटल साइंस के, वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी अभी, तो इस पर क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।